आइडेंटिटी कार्ड एक लाइफलाइन अ हार्ट हिटिंग स्टोरी ऑन कश्मीर एंड इंडिया इज सेट टू थ्रिल इट्स ऑडियंस विद द वर्ल्ड वाइड रिलीज सून लेट्स कैच अ ग्लिम्स ऑफ द फिल्म्स विद द स्टार कास्ट आइडेंटिटी कार्ड बहुत ही अच्छी फिल्म है बहुत ही सेंसिबल फिल्म है इसे वर्ल्ड सिनेमा करके डिस्क्राइब किया जा सकता है एंड द बेस्ट पार्ट इज कि हमने इस मूवी के थ्रू एक मैसेज देने की कोशिश करी है हम सबको मालूम है कि कश्मीर बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल एंड ट्रबल्ड स्टेट रहा है तो हमने इस फिल्म के जरिए सिर्फ मिलिटेंट्स नहीं कश्मीर में जो दूसरे प्रॉब्लम्स हैं जो दूसरे तकलीफें हैं जो वहाँ के कश्मीरी लोग फेस कर रहे हैं जो कश्मीरी लोग चाहते हैं हमें अब तक ये पता है कि पाकिस्तान कश्मीर को अपनी तरफ खींचना है चाहता है कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए इंडिया लड़ रहा है कि नहीं कश्मीर इंडिया का हिस्सा है किसी ने आज तक ये नहीं पूछने की कोशिश की कि भाई कश्मीरी खुद क्या चाहते हैं तो हमने वो मुद्दा इस फिल्म में उठाया है एंड इस फिल्म में बहुत सीरियस मैसेज है कश्मीर के मैक्सिमम प्रॉब्लम्स कवर किए हैं लेकिन फिल्म ह्यूमरस है इट्स अ सटायर सीरियस फिल्म नहीं है स्टार्ट से एंड तक लाइट हार्टेड फिल्म है इस फिल्म में मेरा जो रोल है वो राजू जरगर का है और राजू जरगर एक कश्मीरी लड़का है जो कश्मीर में ही पला बड़ा हुआ है तो इस तरह का कैरेक्टर है मेरा आइडेंटिटी कार्ड एक जिसे कहते हैं कि आपकी आइडेंटिटी क्राइसिस जो कि समाज के अंदर होती है आपके पास राशन कार्ड नहीं होता है तो उसमें भी प्रॉब्लम होती है आपके पास वोटर कार्ड नहीं होता है उसका भी आजकल पैन कार्ड और आधार कार्ड बहुत सारी चीज़ें ऐसे आ गई हैं जो कि लाइफ में इन सब चीज़ों की बहुत ज़रूरत है तो ये आइडेंटिटी कार्ड जो क्राइसिस है कश्मीर के अंदर जो कि मतलब खास तौर से एक समय पर रही है ज़्यादातर तो उसको देखते हुए ये पिक्चर बनाई गई और इसके अंदर मेरा जो किरदार है वो हाकिम दीन का फिल्म का नाम आइडेंटिटी कार्ड है और एक्चुअली जब आपको खुद की पहचान दिखानी पड़े तो वो काफ़ी सैड चीज़ होती है एक ऐसी जगह जहाँ पर जिसे कहते हैं पैराडाइज वहाँ पर जब लोगों को अपनी पहचान बार बार बतानी पड़े तो मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा जिसे कहते हैं इनह्यूमन चीज़ कोई हो नहीं सकती पावर्ड बाय NNIS